एक्चुअल में इंटीग्रेशन इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट हैविंग द नेम, अरे धुआंधार साइंटिस्ट था यार इंटीग्रेशन। बहुत आसान, पूरी फिजिक्स में काम आता है, समझो। लेकिन इंटीग्रेशन की कहानी समझो सर। और कहानी क्यों समझा रहा हूँ इंटीग्रेशन की, क्योंकि मेरे लाल ये भी काम आती है पूरी फिजिक्स में, इंटीग्रेशन की कहानी कि ये कैसे आया, इसका यूज़ क्या है, ये क्यों, कहाँ, कैसे चलता है काम इसमें। इंटीग्रेशन हम लोगों को दिया एक बहुत महान हस्ती, महान साइंटिस्ट। वास्तव में कुछ साइंटिस्टों के लिए बाबू दिल से इज्जत निकलती है, अपने न्यूटन साहब के लिए। अब जहाँ देखो वहाँ न्यूटन, हर जगह न्यूटन। अब हमने तो बायोलॉजी में भी न्यूटन न्यूटन को देखा। यस, तुम लोगों ने देखा होगा जो नहीं पढ़े हो। अबे बायोलॉजी तो पढ़े होगे, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसमें एक न्यूटन थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ में, मतलब उसमें भी न्यूटन घुस गए हैं। बहुत जगह न्यूटन है यार, ठीक। तो न्यूटन साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। न्यूटन साहब हो गए, आइंस्टीन साहब हो गए, जोरदार साइंटिस्ट। उसी में एक साइंटिस्ट और नाम बताऊं, आर्कमिडीज। नाम सुने हो आर्कमिडीज का? अरे वही बायंसी वाले जो नहीं, लिक्विड का फोर्स बंदे ने बता दिया था कि लिक्विड कितना फोर्स लगाता है। यस, जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा तुमको, और अगर अभी पढ़ने का मन हो तो यूट्यूब पे जाके पढ़ लो, फिजिक्स आराम से टाइप कर लेना, सब दिया उसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने डाला हुआ है उसमें है। आर्कमिडीज ने ये बताया था कि कोई लिक्विड कितना फोर्स लगाता है जब किसी बॉडी को उसमें डिप करो, डुबाओ, तब अब थ्रस्ट फोर्स। इन्हीं आर्कमिडीज ने दिया था इंटीग्रेशन। और बाबू यही इंटीग्रेशन आज हमको रॉकेट चांद पे ले जा रहा है सर। जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं ना, इंटीग्रेशन यूज होता है। जितनी गाड़ी वाड़ी चलती है सब सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास होती हैं। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ोगे सिस्टम ऑफ वेरिएबल मासेस, समझे? आई बस समझ में। तो सर ये खेल है इंटीग्रेशन का, ठीक ठीक है सर। इंटीग्रेशन एक्चुअल आर्कमिडीज के मरने के बाद पब्लिश हुआ था। आर्कमिडीज एक्चुअल में मर्डर हो गया था उस समय, दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो आर्कमिडीज को दूसरे कंट्री वालों ने मरवा दिया था। उनके लास्ट वर्ड थे आर्कमिडीज के कि मुझे तो मार रहे हो पर मेरी थ्योरी को मत मारो। और ये थ्योरी उनके मरने के बाद आई, इंटीग्रेशन। अभिषेक भाई अगर आप पढ़े होंगे मैथ्स वैथ्स तो आपको इंटीग्रेशन पढ़े मैथ्स, यस ठीक। एक्चुअल में इंटीग्रेशन थ्योरी क्या थी, और तुमको इंटीग्रेशन की थ्योरी समझाएं कि मतलब कहानी क्या थी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, सम करना, समेशन करना। नहायत आसान है सर, नहायत आसान है इंटीग्रेशन, लेकिन बस समझ लो ठीक। जोड़ना, जैसे कोई यार सिंपल बॉडीज दी हो, जैसे मान लो तुमको दिया हो एक स्क्वायर है ए और ए साइड का, तुमसे पूछे एरिया बताओ, तुम चट से बता दोगे ए स्क्वायर। तुमसे कहते हैं एक रेक्टेंगल है, एरिया बताओ, तुम चट से बता दोगे ए इंटू बी। तुमसे कहें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया बताओ, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस बता दोगे चट से। ट्रेपेजियम है बता दोगे, कोन है, सिलेंडर है, एरिया पूछने बता दोगे, ठीक ठीक। लेकिन अब बताओ बेटा, अब इसका एरिया बताओ, अब इसके अंदर का एरिया तुम्हारे अच्छे अच्छे नहीं बता पाएंगे। यह है क्या चीज़, ये तो शेप तुमने पढ़ी ही नहीं है, ये तो ऐसी उल्टी पुल्टी शेप बनी है। एक्चुअल में आर्कमिडीज ने इसी का एरिया फाइंड करना सिखाया है कि सिमेट्रिकल शेप है तो एरिया के फॉर्मूले आपको पता है, बट अगर सिमेट्रिकल शेप नहीं है ना तो उन्होंने एरियाज फाइंड करे, बड़ी मेहनत करी। कैसे किया, जैसे देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक।
एक कोई भी जनरल शेप इस तरीके की थी, ऐसे इक्वेशन बनी हुई थी। उन्होंने इस शेप की जो बनी हुई है इसी के नीचे का एरिया फाइंड करा, ये पूरा, जिसे कहा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, कर्व ये तो बना, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया कितना होगा, ठीक है। कैसे फाइंड करा उन्होंने इस कर्व को, जो यहाँ से शुरू हुआ है, किसी मान लो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से ये कोई x1 पोजीशन है और किसी x2 पोजीशन तक गया है, x1 से शुरू हुआ है और x2 तक गया है, हाँ, ये जो कर्व कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से कहाँ तक गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज लिमिट। इसको क्या कहते हैं, लिमिट। क्या कहा जाता है बच्चों, लिमिट, कि इस कर्व की लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, इस कर्व की लिमिट किसी x1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, x2 तक जा रही है, दैट इज नोन एज लिमिट ऑफ द कर्व, ठीक। उन्होंने एरिया फाइंड करा, कैसे फाइंड करा बाबू, देखना, उन्होंने इस कर्व को छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे डी एक्स एलिमेंट्स, याद है ना, डी एक्स एलिमेंट, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्ट में उन्होंने इसको कट किया, समझ लो मेरे लाल, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, यूज़ करना होगा, समझे, तुम्हें समझ ही नहीं आया कहानी क्या होगी, ये डी एक्स, बहुत ही स्मॉल सा पोर्शन डी एक्स, इस डी एक्स पोर्शन का उन्होंने एरिया फाइंड करा और ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया इसको, डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ठीक, और यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक सबको ले जाके इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट मतलब जोड़ दिया, एंड फाइनली यू फाइंड द एरिया, ठीक, और फिर एक रिजल्ट बना दिया, फिर एक रिजल्ट बना दिया कि कोई भी एक कर्व हो उसकी इक्वेशन अगर आपको पता हो तो यू कैन फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, आप उस कर्व के नीचे का एरिया फाइंड कर सकते हो, दैट इज इंटीग्रल वाई डी एक्स, इंटीग्रल वाई डी एक्स, और डी एक्स की लिमिट कहां से शुरू हो रही है बच्चों, डी एक्स की लिमिट शुरू हो रही है किसी एक्स वन से लेकर किसी एक्स टू तक, तो लिमिट गोज फ्रॉम एनी एक्स वन टू एनी एक्स टू, लिमिट एक्स वन से शुरू होके कहां तक गई मेरे लाल, एक्स टू तक गई, ठीक है, एक्स वन से एक्स टू तक, क्लियर है भैया। तो एक्चुअल में दैट इज एरिया अंडर द कर्व, ये जो इंटीग्रेशन होता है वो हम एक्चुअल में एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं, इस कर्व के नीचे का एरिया, ठीक, बनाओगे ये पूरा, ये पूरा तुम लोग बनाओ, जिस नोटबुक पर लिख रहे हो पूरा ये बनाओ, ठीक है, ये बनाओ अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ, स्क्रीन शॉट में मज़ा नहीं आएगा, स्क्रीन शॉट सिर्फ क्वेश्चन के लिए करो, ये बनाओ, वाई एक्स एक्स वन एक्स टू लिमिट, ये लिमिट कहलाती है, यहाँ पढ़ते हैं तो एक्स वन जहाँ से शुरू हो रहा है तो उसको कहते हैं लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, अब बना लो, ठीक है सर, बना लिया, यस, आप समझिएगा, देखिएगा, बात समझिएगा सर, बात बाबू, अब देखो इसको किस तरीके से, ये होता है इंटीग्रल का साइन, एक्स वन टू एक्स टू वाई डी एक्स, और करना बाबू, इस वाले एक्सिस पर ये देखो वाई ऊपर लिखा है ना और एक्स इधर लिखा है, देखो वाई इधर लिखा है ना, एक्स इधर लिखा है, आप कहोगे इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ इतनी जगह होता है, अभी लेटेस्ट पिछले साल आईआईटी में क्वेश्चन आया था, आईआईटी मेंस के एग्ज़ाम में, अब ये तुमको कराता हूँ, तुमको करा दूंगा क्वेश्चन, वाई ये एक्स वन ये एक्स टू, दिस इज वाई दिस इज डी एक्स, ठीक साहब, ये वाले एक्सिस पे लिखा है वाई और ये वाले एक्सिस पे लिखा है एक्स,
तो दिस इज इंटीग्रल वाई, यहाँ वाई लिखते हैं यहाँ डी एक्स, जो नीचे वाला एक्सिस होता है उसको डी एक्स में लिखा जाता है, और लिमिट किसकी लगाई जाती है, जो नीचे वाला एक्सिस है जिस, अब समझना लिमिट किस पे लगाएंगे, लिमिट किस पे लगाएंगे समझना, एरिया अंडर द कर्व, जरा बताना किस एक्सिस के ऊपर वाला एरिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया है ना, ये बड़ी बड़ी कई बार ये क्वेश्चन घुमा देते हैं, कई बार इस तरफ ले लेते हैं, तो लिमिट हमेशा किसकी लगती है, जिस एक्सिस के ऊपर वाला एरिया लिया जाता है, जिस एक्सिस के ऊपर वाला एरिया लिया जाता है उसी की लिमिट वही डी एक्स लिखा जाएगा, ये बात भी लिख लो, लिख लो, जिस एक्सिस के ऊपर वाला एरिया लेते हैं उसकी लिमिट लगाई जाती है हमेशा, जिस एक्सिस, यहाँ किस एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसी की लिमिट लगाई जाएगी, जिस एक्सिस के ऊपर वाला एरिया लेते हैं उसी की लिमिट लगाते हैं, उसी को डी एक्स के साथ भी लिखते हैं, यहाँ अगर मान लो कोई पी एक्सिस होता तो लिमिट किसकी लगती, पी की, प्रेशर वाला एक्सिस होता मान लो तो लिमिट लगती पी की, और यहाँ डी पी लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, डी पी, सपोज करो यहाँ पे वॉल्यूम होता, वॉल्यूम वॉल्यूम, तो अगर यहाँ वॉल्यूम होता तो लिमिट लगती वॉल्यूम की, और यहाँ क्या लिखा जाता है, डी वी, चेक, तुमको एक बड़ी मज़ेदार बात बताते हैं, सुनना आगे बड़ी काम आएंगी, कई जगह ये बात काम आएंगी, देखना, जैसे कई बार कई दफ़े क्या काम करते हैं सर, कई दफ़े, सुनना काम क्या होता है, शायद कभी तुमने सुना हो, शायद सुना हो, नहीं सुना तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ होता है, प्रेशर वॉल्यूम, नहीं सुना तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सुन लोगे बाद में, ठीक, सुना है तो बहुत बढ़िया, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे पीवी ग्राफ, ठीक, हीट हीट में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स भाई, कई बार उसमें ऐसे ग्राफ बना होता है ऐसे ए टू बी, ठीक, और कहते हैं वर्कडन, वर्कडन निकालना हो तो वर्कडन का फॉर्मूला होता है वर्कडन बराबर इंटीग्रल पी डी वी, ये फॉर्मूला ही होता है वर्कडन का, लिमिट वी वन से लेकर वी टू, अभी रेजिस्टेंस वाला नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी वर्कडन होता है इंटीग्रल पी डी वी, ये एक्चुअल में वर्कडन का फॉर्मूला होता है, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक, नहीं पढ़ा तो कोई घबराने वाली बात नहीं, अभी पढ़ोगे, अच्छा अगर मुझे, तुम मुझे बताओ, अगर मुझे इस कर्व के नीचे का बाबू एरिया निकालना होता, एरिया फाइंड करना होता तो मैं इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करता, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करता, बताओ एरिया के लिए क्या फॉर्मूला बनता, तुम मुझे बताओ, एरिया इंटीग्रल, जो इधर एक्सिस लिखा था, इधर वाई लिखा था, अरे 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 भूल गए क्या, भूल गए क्या, अरे बच्चों इधर कौन सा एक्सिस लिखा, वाई है तो वाई, इधर कौन सा एक्सिस लिखा, एक्स तो डी एक्स, ठीक, बोलो भाई, ठीक, तो देखो 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 देखो, इधर कौन सा एक्सिस लिखा, वाई की जगह क्या लिखा है, पी प्रेशर, और वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह क्या लिखा है, वी, तो वाई की जगह, एक्स की जगह क्या लिखा है, वॉल्यूम, तो इंटीग्रल वाई डी एक्स होता है, इंटीग्रल वाई डी एक्स होता है, तो इंटीग्रल वाई की जगह पी प्रेशर, और ये डी एक्स की जगह वॉल्यूम वाला एक्सिस है तो डी वी, और वॉल्यूम की लिमिट कहाँ से, वॉल्यूम कहाँ से शुरू हो रहा है, किसी वी वन से शुरू हो रहा है, ये वी वन वॉल्यूम वाला एक्सिस है ना, और कहाँ तक जा रहा है, किसी वी टू, तो लिमिट लोअर, लिमिट वी वन जा कहाँ तक रहा है, अपर वी टू, बाबू बाबू गौर करो, गौर करो, जो फॉर्मूला एरिया का है वही फॉर्मूला वर्कडन का है, जो फॉर्मूला एरिया का है वही फॉर्मूला वर्कडन का है, तो पता है आपको एरिया जब कभी भी वर्कडन पूछते हैं तो हम फाइंड कर लेते हैं एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि सेम फॉर्मूला आया,
तो अगर कभी भी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हो, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हो और आपसे पूछे कि वर्क डन बताओ, चट से एरिया निकालो। और हाँ, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एरिया निकालो। अरे किस एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालोगे? अरे डीवी, जो डी के साथ लिखा होता है। अभी बताए ना डीएक्स। अरे अभी बताए ना, ये बताए ना, ये अभी बताए ना तो आपको, ये किस एक्सिस के ऊपर का एरिया है जो यहाँ लिखा हो डी के साथ? ये बोलो बोलो मेरे लाल, तो किस एक्सिस के ऊपर का एरिया होगा? दिस वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम वाला एक्सिस ये है ना, इसके ऊपर का एरिया होगा। नहीं समझ में? अभी तुम आगे पढ़ोगे ना, तुम्हें ये सब फॉर्मूले आएंगे, तब तुम्हें ये सब याद आ जाएगा। अरे वाह, एरिया चट से निकाल लो, यही तो इंटीग्रेशन था। ठीक है ठीक है बाबू बाबू बाबू, सुनो 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 मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। एक बार क्या किया नीट ने? नहीं किया, आईआईटी ने किया। साला क्वेश्चन बनाया 2 कौड़ी का, ऐसे था। ठीक, वॉल्यूम इधर कर दिया, प्रेशर इधर कर दिया। अब बताओ कौन सा एरिया मुझे लेना चाहिए? ये वाला एरिया कि ये वाला एरिया? फॉर्मूला ये है भैया इसका, पी डी वी। एरिया हमेशा किस एक्सेस के ऊपर का लिया जाता है? जो डी वी के साथ लिखा हो, जो डी वी के साथ लिखा हो। तो यहां वॉल्यूम के साथ जो लिखा होगा वही वाला एरिया कंसीडर होगा। दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों ने फटाफट क्या किया? गलत, इसका इसके ऊपर का एरिया ले लिया, ये वाला एरिया। नो नो नो, ये एरिया नहीं काउंट होगा क्योंकि फार्मूला ये है और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो डी के साथ लिखा होता है उसके से ऊपर का एरिया होता है। पता कौन सा एरिया लिया जाएगा? दिस वन। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, अभी बताता हूँ और एग्जांपल बताता हूँ तुमको इसमें। देखो ये समझ लो, इंटीग्रेशन के फार्मूले से दो, सिर्फ तीन चार फार्मूले हैं बस, तीन चार फार्मूले पूरा इंटीग्रेशन। वो तो तुम सीख गए, वो तो तुमको मैं ऐसे बताऊँ तुम हवा मुड़ा दोगे। इंटीग्रेशन सटासट बहुत आसान है, लेकिन ये कंसेप्ट समझ लो पहले, इसमें थोड़ा टाइम लगता। ये वाला एरिया, दिस वन। बनाओगे डायग्राम? डायग्राम बनाओ, ये दोनों बनाओ और एरिया जरूर दिखाना। और ये लिख लेना किस एक्सिस के ऊपर वाला एरिया होता है, ये यहाँ जो डी के साथ लिखा हो। ठीक है, बनाओ डायग्राम, बनाओ। शो प्रीवियस स्लाइड, बेटा इसके पहले वाली है। छूट गया क्या आपका? ये बना लो फिर मैं दिखा देता हूं। अभी भी ग्राफ ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपसे वर्क डन पूछे, एरिया निकाल लो। बताओ किस एक्सिस के ऊपर होगा? एफ के ऊपर, एक्स के ऊपर? अरे जो डी के साथ लिखा उसके ऊपर। एक्स लिखा है डी के साथ, ये वाला एरिया होगा। समझ गया? कर लोगे? बाबू एक छोटी सी बात बताऊं? हाँ, कुछ बच्चे नए हैं जिनका डिफरेंशिएशन शायद नहीं पढ़ा हुआ है, या विशाल सर से उन्होंने पढ़ा होगा, पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है तो बस एक दो दिन में मैं डिफरेंशिएशन उनको पढ़ा दूंगी। क्लासेस शुरू हो जाएंगे 2-2 घंटे की। ठीक, वो मैं टाइम बता दूंगा उनको। ठीक, सुनो, अगर कहीं तुमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, याद है? पढ़े अभी डिफरेंशिएशन में पढ़े, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इस डी टी को मैं चले जाऊं तो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट डी एक्स, इंटीग्रेट वी डी टी। जरा मुझे बताओ, मुझे बताओ बच्चा, ये इंटीग्रेशन वी डी टी, इंटीग्रेशन वी डी टी, ये क्या एरिया नहीं है?
और डी एक्स ये एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन वी डी टी। अब इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ बस फॉर्मूला बता रहा हूँ, इधर है डिस्प्लेसमेंट, इधर ये वी डी टी आया। ए ये वी डी टी अगर अगर ग्राफ बना हो वेलोसिटी और टाइम का, अरे एरिया का फॉर्मूला बताओ एरिया क्या बनेगा। अरे अरे सिखाया मैंने, बताओ एरिया क्या बनेगा। वाई की जगह क्या लिखा है वी, एक्स की जगह क्या लिखा है टी, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा इंटीग्रल इंटीग्रल वी डी टी बनेगा। जैसे डी एक्स होता है डी टी बनेगा, कोई भी ग्राफ बनाओ लिमिट किसी टी वन से लेकर टी टू तक। देखो यही वी डी टी, यही तो है वी डी टी, लिमिट ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वी डी टी, यही तो वी डी टी है। जब कभी भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया होता है और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, किसका ग्राफ दिया हो वेलोसिटी और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है एरिया अंडर द निकालो चट से सॉल्व हो जाएगा। जब कभी पूछे डिस्प्लेसमेंट बताओ भैया एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ठीक है कर लोगे, बना लिया ये पूरा तुमने। हाँ और तुम्हें इंटीग्रेशन ये तो एरिया फंडा था, एरिया कॉन्सेप्ट था, ऐसे आगे बहुत ढेर सारे फॉर्मूले यूज होंगे जिसमें तुमको एरिया ही निकाल के काम करना होगा। तुम चट से समझ जाओगे कि एरिया का फॉर्मूला बनेगा क्या, और तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में कि एरिया निकालना है कि नहीं निकालना है, ठीक है। ये बेसिक फंडा समझ में आया तुमको, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। आइए सर अब बात करते हैं थोड़ी सी इंटीग्रेशन की। ये तो मैंने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, एरिया कॉन्सेप्ट सिखाया तुमको। अब देखो इंटीग्रेशन होता कितना आसान है यार, इंटीग्रेशन होता कितना आसान है उसकी बात करने जा रहा हूँ यार। तुम भी कहोगे यार क्या है ये इंटीग्रेशन, ये तो कुछ है ही नहीं, फटाफट सॉल्व, ठीक है। इंटीग्रेशन देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक मिनट, ये आया हुआ तुम्हारी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी वैल्यूज हैं साइन कॉस की, सारी वैल्यूज है साइन कॉस की, ये वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए 180 तक, समझे। ये भी याद होना साइन 37 3 बाई 5, कॉस 37 4 बाई 5, टेन 37 3 बाई 4, साइन 53 4 बाई 5, ये याद होना चाहिए तुमको, ले लिया ठीक है। अब तुम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिखाते हैं। देखो इंटीग्रेशन को हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट, एक होता है बच्चों इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब निश्चित, निश्चित 100%, सुना भी होगा तुमने डेफिनेट, जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेट करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं करता ही हूँ, याद आया वही डेफिनेट, डेफिनेट मतलब 100%। और अगर गैंग ऑफ वासेपुर पर देखो तो डेफिनेट उसमें नाम था एक लड़का, उसका नाम तो डेफिनेट, ठीक। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसमें सर्टेन ना हो, क्या अंतर होता है इसमें, भाई कोई अंतर नहीं होता है। डेफिनेट में लिमिट लगी होती है, लिमिट, इसमें लिमिट लगी होती है, ठीक।
और इसमें लिमिट नहीं लगी होती, लिमिट नॉट अप्लाई, मतलब कहीं से कहीं चले जाओ, लिमिट लगी है तो यार तो निश्चित है ना, लिमिट लगी है तो यार निश्चित है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बोलो भाई लिमिट लगी है तो, लिमिट नहीं लगी तो निश्चित ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो पहले हम देखो दोनों का तरीका एक ही है, बस एक स्टेप अंतर पड़ता है, बस एक स्टेप का डिफरेंस होता है बस, वो हम तुमको पहले सिखा देंगे ठीक। तो पहले बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल लिमिट नहीं लगी है ठीक, पहला फॉर्मूला हम तुम्हें पूरा ही सिखा दे रहे हैं ठीक, लिमिट लगा के भी सिखा दे रहे हैं। फॉर्मूला नंबर वन देखो, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन ए एक्स टू द पावर एन डी एक्स, लिमिट गोज फ्रॉम ए टू समथिंग, लिमिट गोज फ्रॉम एनी पी टू क्यू, एक्स की जो डी एक्स की लिमिट है वो किसी पी से लेकर क्यू तक जा रही है। अब बहुत आसान है ठीक बाबू, ए ए मल्टीप्लाई में लिखा है, जो मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिखा है उसको बाहर कर देते हैं, तो एक्स टू दी पावर एन डी एक्स पी टू क्यू। अब इंटीग्रेट कर दो, फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स टू दी पावर एन प्लस वन लिमिट पी से लेकर क्यू। अब हमसे कुछ बच्चे देखो क्या पूछते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं यार, इसलिए उनके लिए ही बता दो। देखो ये सिंपल बात समझ लो, सिंपल बात समझ लो, दिस इज द सिंबल, ये सिंबल होता है ठीक, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, पूरी बात समझ लो, कंफ्यूज नहीं होगा, मोटी मोटी बात समझ लो। यहाँ लगा एक्स टू द पावर एन डी एक्स, क्योंकि कई बार इंटीग्रेट करते हो ना, बच्चे कहते हैं सर ये डी एक्स कहाँ चला गया, तो ये सिंबल है, डी एक्स का मतलब होता है करिए, डीएक्स मतलब होता है करिए। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन का करिए, तो बस एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करके छोड़ देना, समझे, ये मत सोचना कहाँ चला गया। हाँ अगर कहीं पर ये लिखाओ, कहीं पर ये लिखाओ डी एक्स एक्स टू द पावर एन डी एक्स, अब ये तो लिखा है करिए, सिर्फ करिए लिखा, क्या करें, वो तो लिखा ही नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता ठीक है। कहीं लिखा हो दिस वन, करिए ना लिखा हो, अब इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसमें तो करिए लिखा ही नहीं है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता, समझ गए, पूरा लिखा होना चाहिए, इंटीग्रेशन करिए तब इंटीग्रेट होगा, आई बात समझ में, पूरा लिखा होना चाहिए इंटीग्रेशन करिए, इसका कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखना, समझ गए, इसका मतलब इंटीग्रेशन करिए। अब देखो अब क्या करते हैं, यहां तक तो हम आ गए इंटीग्रेशन करके, क्योंकि इंटीग्रेशन भी लिखा था और करिए भी लिखा था। अब देखो ए तो वैसे लिखा रहेगा, क्या करते हैं लिमिट कैसे लगाते हैं, देखो नरेंद्र भाई आप देखिए तो अभी आए हैं, नरेंद्र भाई आप अभी आए ना, अब बताइए आपको कैसे समझ में आएगा, मेरे लाल लास्ट में आए हो कैसे समझ में आएगा, अच्छा बताओ अब कैसे समझा देंगे ये चीज़, पाँच बजे से क्लास होती है, साढ़े पाँच बजे से मैंने नए बच्चों को बुलाया था और आप अब आ रहे हो, है ना, वेरी बैड ना बच्चा। बेटा फॉर्मूला फिलहाल सिर्फ तुम फॉर्मूला देखो, अब कोई नवनीत यादव जी आ रहे हैं बताओ कैसे समझ आएगा, तुम सिर्फ फॉर्मूला देखो, तुम अभी बहुत मत समझो, तुम फॉर्मूला देखो तुम्हारा काम चल जाएगा, क्लास तुम्हारी छुट्टी हुई है ना, तो अभी फिर से मैं कराऊंगा तो तब तुम कर लेना ठीक, सबको मैसेज जाएगा जिसको करना हो कर लेना ठीक। तुम सिर्फ फॉर्मूला देखो, ए एक्स टू द पावर एन डी एक्स लिखा है, ए जो मल्टीप्लाई में लिखा है तो बाहर कर दिया जाता है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसको एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन पी टू क्यू ठीक, ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है, फिलहाल तुम सिर्फ नरेंद्र भाई फिलहाल समझो
तुम बस क्वेश्चन करने लगोगे, ठीक। डिटेल अभी क्लास होगी तब समझ लेना, ठीक। चलो तो पहले रखते हैं अपर लिमिट, ये कहलाती है अपर लिमिट, ये कहलाती है लोअर लिमिट। पहले x, ये x है ना, x की जगह अपर लिमिट रखी जाती है, x की जगह रखोगे q, फिर x की जगह माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखी जाती है। अगर लिमिट ना लगी होती तो एक क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, आंसर था ये इतना। लेकिन लिमिट लगी है तो x की जगह पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट, कैसे रखोगे देखो। चाहो तो n प्लस वन को भी बाहर कर सकते हो, ये भी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमें x से मतलब। x की जगह पहले अपर लिमिट रखे, p रखे, p की पावर n प्लस वन, फिर लगेगा माइनस, बीच में माइनस लगता है ध्यान रखना ये फॉर्मूला है, माइनस लोअर लिमिट रखोगे q की पावर। समझ गए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, p से q, p से q, पहले रखेंगे अपर लिमिट माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट। नहीं समझ में आया घबराओ नहीं, एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, ठीक, एक एग्जांपल तुमको करके बता रहा हूं, ठीक। एक सरल सा एग्जांपल तुमको मैं करके बता रहा हूं, देखो कहीं लिखाओ, x क्यूब इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 dx या 3x क्यूब dx, कुछ भी ऐसा लिखा हो सकता है, ठीक। नरेंद्र ध्यान समझना, बताओ बेटा a की जगह क्या लिखा है 3 और पावर की जगह n की जगह क्या लिखा है 3, ठीक है। कैसे करोगे, जो a लिखा होगा उसको बाहर ले आओगे 3, इंटीग्रेशन x क्यूब dx बचेगा अंदर 1 2 2, ठीक। अब बताओ फॉर्मूला क्या था, देख लो, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x टू द पावर n की जगह क्या है बताओ, n की जगह क्या लिखा है 3, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक। और एक 3 पहले से लिखा है बाहर, लिमिट 1 से लेकर, समझ गया। अगर लिमिट ना लगी होती क्वेश्चन खत्म हो गया होता, लेकिन लिमिट लगी तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ बच्चों 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, 4 बार कर दें, 3 पावर x टू द पावर 4 हो जाएगा, लिमिट 1 से लेकर 2, लिमिट 1 से लेकर 2। पहले लगाएंगे अपर लिमिट, पहले लगाएंगे अपर लिमिट 3 बाई 4, x की जगह अपर लिमिट रखेंगे 2 की पावर 4, माइनस बीच में माइनस लगेगा, x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह 1 रख दो, बताओ कितना आएगा 3 बाई 4 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 2 16, माइनस 1 की पावर 4 1, तो कितना आएगा पता है 3 इंटू 3 बाई 4 अंदर क्या आएगा 15, दिस इज आंसर, और 3 इंटू 15 45 बाई 4, दिस इज आंसर, क्लियर है, ठीक है बच्चा समझ गए, बोलो बोलो छोड़ो तो क्वेश्चन जल्दी से। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट किसी 0 से लेकर 2 तक क्या आएगा बताओ, अब a की जगह क्या लिखा है, a की जगह 1, n की जगह क्या लिखा है बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा क्या बच्चों, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करो यार, मैसेज करो, नहीं समझ में आ रहा क्या, करूं सॉल्व, देखो
क्यों लिखा एक्स टू दी पावर टू प्लस वन, एक ही देखा तो वन है, हटा उसको, टू प्लस वन लिमिट जीरो से लेकर टू, यानी ये क्या है एक्स क्यूब बाई थ्री है लिमिट जीरो से टू। ए वन बाई थ्री को बाहर कर दें, ये थ्री बाहर लिया, एक्स क्यूब की जगह पहले एक्स की जगह टू रखें, टू क्यूब माइनस एक्स की जगह जीरो रखें, मुझे लग रहा है वन बाई थ्री इंटू एट, एट बाई थ्री, एकदम सही बच्चों, वेरी गुड, जियो मेरे लाल मेरे। अच्छा अब बच्चों क्वेश्चन करे जाए, एक दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, जल्दीबाजी कोई मत करना, जल्दीबाजी कोई मत करना, आराम से कोशिश किए, नरेंद्र आ जाएगा तुम्हें सब समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो। फार्मूला तो नोट करे हो, ये वाला फार्मूला नोट करे हो ना बच्चा, ये इतना नोट करे हो ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक, बस इतना नोट कर लो और लिमिट लगाने का तरीका सटा सट काम खत्म, देख तुम इंटीग्रेशन करने लगोगे। मैं कोई कांस्टेंट ऑस्टेंट नहीं बता रहा, कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर हम फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रल ही यूज़ करते हैं, तो कांस्टेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमको, ठीक है। कोशिश करना नरेंद्र, ये फार्मूले पे फोकस करना, ठीक, ये ए जो मल्टीप्लाई में लिखा हो और एन पावर है, ठीक, मल्टीप्लाई में जो डायरेक्ट लिखा हो बाहर आता है पावर वाला।